पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बने निरेक गुप्ता। समारोह में सम्मिलित किए गए विजेता कई मारियों को भी किया गया सम्मानित। दिनांक 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में 2 दिवसीय 30वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन सभी सदस्यों ने मिलकर सामूहिक रूप से किया गया। मुख्य अतिथि पटना से पधारे मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और पूर्व प्रमुख सचिव अंजनी कुमार सिंह थे। सम्मानित अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी, एनसीसी के कमांडेंट कर्नल के रेड्डी, दिल्ली से पधारे पर्यावरणविद अनिल कुमार भल्ला, भागलपुर से चंद्रशेखर सिंह थे। अंजनी कुमार सिंह ने यह उद्गार व्यक्त किया कि बिहार की मिथिला धरती पर इस प्रकार का भव्य पुष्प मेला का आयोजन लगातार किया जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह प्रकृति की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर जो भी छोटी मोटी प्रदर्शनी बिहार में होती भी है तो उसका आयोजन सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उद्यान समिति के द्वारा निजी स्तर पर ऐसा आयोजन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उनका कहना था कि मैं यहां आकर चकित हूं, ऐसा भव्य आयोजन मुझे काफी उत्साहित कर रहा है। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि यह प्रदर्शनी मिथिला की पहचान बन गई है और यह मिथिला का गौरव है। उन्होंने कहा कि फूल और पौधे हमें तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए हमें पौधारोपण करना चाहिए जिससे वातावरण भी सुंदर बनता है। उनका कहना था कि हाल के वर्षों में इस इलाके में अधिक गर्मी अथवा अधिक ठंड की समस्या पैदा हो रही है, अतः तापमान संतुलन के लिए भी पौधारोपण काफी जरूरी है और उत्तरी बिहार उद्यान समिति इस दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में हमें इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह में दिल्ली से आए पुष्प प्रेमी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अनिल भल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि गंदगी, प्रदूषण और पानी की कमी आज बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। पौधारोपण के माध्यम से हरियाली लाकर हम एक साथ इन तीनों समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और कचरा ही प्रदूषण के प्रमुख कारण है, इसे खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है। उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी में आए प्रकृति प्रेमियों से अपील की कि वे हर साल 5 से 10 पौधे लगाए। भागलपुर से आए चंद्रशेखर जी, एनसीसी के कमांडेंट, सभी पुष्प प्रेमीगण, मुझे आज यहाँ आके दरभंगा आके बहुत खुशी हो रही है। मैं काफी वर्षों पहले यहाँ आया था तो मैंने पाया कि यहाँ एक बहुत अच्छी टीम है। यहाँ कुछ लोग हैं जो पौधे उगाने में, अच्छे पौधे उगाने में न केवल लगे हुए हैं बल्कि इस बात को आगे फैला भी रहे हैं। इसी कारण है कि आज बिहार में केवल 2 जगह है, आपका दरभंगा और भागलपुर, जहां 30 साल से ज्यादा से प्रदर्शनी लग रही है और आपकी प्रदर्शनी तो काफी प्रसिद्ध है। आयोजित 21वें उस प्रदर्शनी के अवसर पर मंच पर उपस्थित नॉर्थ बिहार और कल्चर सोसाइटी की प्रेसिडेंट आदरणीय लता खेतान जी, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय अंजनी बाबू, साथ में आए हुए उनके मैडम, मंच पर उपस्थित एनसीसी के कमांडेंट रेड्डी साहब, भल्ला जी, मन संचालक तरुण जी, दुकानिया जी, अतुल जी, डॉक्टर रोही जी, चंद्रशेखर जी, उपस्थित सभी नॉर्थ बिहार कल्चर सोसाइटी के पदाधिकारीगण और मंच के सामने बैठे हुए सभी पुष्प प्रेमियों सबको मैं अपनी ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं और नॉर्थ बिहार कल्चर सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि 30 साल से लगातार इस दरभंगा में इतना बृहद फ्लावर शो का आयोजन हो रहा है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग देश में और जगह भी जाते हैं।